ये रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव कर सकते हो इजीली बिना स्क्रू खोले। ठीक है, ये रिमूव किया हल्का सा और यहाँ से लाइट को आपने अंदर की तरफ टर्न कर दिया इस तरीके से, और इसको आपने ये निकाल लिया, ये देखिए। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वेस्पा का ये स्कूटर। मेनली वेस्पा अपनी सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी के फीचर्स में जाना जाता है, तो चलिए आज की वीडियो में देखेंगे इसमें हमें कैसी बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी का फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं सर से। सर ये अपना वेस्पा 125cc है, ठीक है जी, प्यागो कंपनी इसको बना रही है। मैन्युफैक्चरिंग इसका जो प्रॉपर चल रहा है पुणे बारामती में होता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत से आपको फीचर मिलेंगे जो मार्केट में शायद अभी नहीं मिलेंगे आपको। इसमें अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो सबसे ऊपर अगर इसका फोकस देखें तो सामने से इसकी लाइटिंग जो दी हुई है DRL लाइट है, डे लाइट रनिंग, ठीक है जी। लेकिन इसके अंदर जो डे लाइट रनिंग दी है वो काफ़ी इफेक्टिव दी हुई है, ठीक है सर। इफेक्टिव इन द सेंस मतलब कि सभी में हाइलोजन लाइट आती है या फिर LED आती है, लेकिन जितनी इसमें बेस्ट क्वालिटी डाली हुई है LED की वो शायद अभी मार्केट में फ़िलहाल के लिए नहीं है। फुल लाइट हाँ, एक बार इसकी फुल लाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये आपका हाई बीम स्टार्ट हो गया इसका, और ये नॉर्मल लाइट रहेगी आपकी ये वाली, ठीक है जी। ये नॉर्मल लाइट है और ये इसकी हाई बीम स्टार्ट है। और पासिंग पॉइंट भी आपका इससे ये वाला रहेगा, पासिंग लाइट भी एक ही साइड में है इसका, और इसकी नॉर्मल साउंड है बिल्कुल, ठीक है जी। अब अगर बात करें तो इंडिकेटर्स भी इसके काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी धुंध में भी अगर आप चलाएंगे गाड़ी तब भी आराम से नज़र आएंगे। सर इसके टायर्स में क्या? सर टायर इसके ट्यूबलेस टायर्स हैं जो कि 11 इंचज़ के हैं, ठीक है जी। और जो आप अगर देखेंगे इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, ठीक है जी। जो ग्रिप रहेगी इसकी चलते टाइम बहुत प्यारी रहेगी। और इसके बाद अगर बात करें इसकी ब्रेक्स की, तो इसमें जो ब्रेकिंग दी हुई है वो CBS ब्रेक है। जो अगली ब्रेक है वो CBS ब्रेक है। अब CBS का मतलब फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम या कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम भी इसको कह सकते हैं, ठीक है सर। अगर बात करें कॉम्बिनेशन ब्रेकिंग सिस्टम ऑल ओवर इंडिया मार्केट में पूरी में आ रहा है, लेकिन इसमें जो CBS है इसका जो यूज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप ये वाला जो लीवर ऊपर वाला दबाएंगे और ये जो CBS है ये डिस्क के साथ है आपकी, ठीक है जी। नॉर्मल ड्रम में नहीं है, डिस्क ब्रेक में है आगे। अब अगर बात करें डिस्क के बाद अगर टायर्स के पास हम जाएं, तो इसमें ये वाला जो है ये सारा जो अलॉय व्हील दिया हुआ है, 5-spoke अलॉय व्हील दिया हुआ है इधर वाली साइड से अगर हम देखें तो 5-spoke अलॉय व्हील है। इसके साथ यहाँ पे ये क्रोम में दिया हुआ है प्रॉपर स्टील में, ठीक है जी। अब देखने को अगर बात करें बहुत प्यारा लगता है ये देखने में। और जो ये इसका व्हील फ्लक्स है X0 ये वाला, ये भी इसमें क्रोम में दिया है जो कि काफ़ी इफेक्टिव दिखता है। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे ये नॉच दी हुई है, बड़ी प्यारी दी हुई है, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और अगर बात करें तो सभी जितना भी मार्केट में स्कूटर आ रहा है उनमें सभी में ये मेटल दिया हुआ है, लेकिन इसमें ये कार्बन फाइबर में आता है। मेरा इतना प्रेस करने के बाद भी इसको ये बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा ना ये टूटता है, काफ़ी 70% तक की हिट को ये झेल लेता है, ठीक है सर। ग्राउंड दिया हुआ है इसका, इसके यहाँ पे सारा क्रोम दिया हुआ है जो कि काफ़ी इफेक्टिव दिखता है, ठीक है सर। ये क्रोम यूज़ किया है। उसके बाद जो लीवर है ये इसके एल्युमिनियम में बनाए गए हैं, ये एल्युमिनियम में यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग है इसकी और काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसके बाद जो इसके क्रोम है मिरर्स भी क्रोम में दिए हुए हैं। ये सारे के ऊपर हम क्रोम को यूज़ करते हैं जो भी इसमें करते हैं। स्क्वेयर लाइट में आता है ये मॉडल XXL, और एक VXL आता है वो राउंड लाइट में आता है, ठीक है जी। तो ये इसके साथ के मिरर है और एडजस्टेबल मिरर है, इनको आप इस टाइप से एडजस्ट भी कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है जी। आइए सर अब आपको इसका मीटर दिखा देते हैं कि मीटर इसका किस टाइप का दिया हुआ। इसमें आपको एक तो एनालॉग मीटर मिलेगा प्लस डिजिटल मीटर मिलेगा, जिसमें कि आपको आपका फ्यूल का बताएगा लेवल कितना है, ठीक है जी। अभी ये इस पे फ्यूल का जो लेवल है अभी 0 है, यानी कि इसमें
डेढ़ लीटर ही है, 1.5 लीटर इसमें फ्यूल बचा हुआ है। और जो ये साथ में आपको फ्यूल का यहाँ पे दिखा रहा है सिंबल, ये अगर ब्लिंक करना स्टार्ट कर देगा तो इसमें कम है फ्यूल डेढ़ लीटर से, ठीक है जी। साथ में यहाँ पे इंजन का साइन दिया हुआ है, जब हम स्कूटर को स्टार्ट करेंगे तो इंजन का साइन हट जाता है यहाँ से। अगर स्कूटर चलते हुए के अंदर ये इंजन का साइन आता है तो आपको इमीडिएटली अपने सर्विस सेंटर पे स्कूटर को लाना है, कोई ना कोई फॉल्ट है। तो इसके लिए अच्छी आपको दी हुई है चीज़, आपको पता लग जाए कि आपके उसमें गाड़ी में कोई फॉल्ट है। इसके अलावा यहाँ पे मोड ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसके मोड्स ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। अभी हम डिजिटल मीटर की बात करेंगे तो ये मोड ऑप्शन है इसके अंदर, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैं चेंज करूँगा यहाँ पे तो ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है जी। प्लस डिजिटल यहाँ पे आपको टाइमिंग प्रॉपरली बताएगा। इसके बाद अगर इसके यहाँ पे स्विचेस की बात कर लें तो ये मोड ऑप्शन है, ये इसका लाइट का पॉइंट है, लाइट ऑन ऑफ, ये इसका सेल्फ है, यहाँ से हम स्टार्टअप दे सकते हैं गाड़ी को। उसके बाद यहाँ से लाइट को आपने लो बीम हाई बीम पे किस पे रखना है वो यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद ये इंडिकेटर्स का है और ये इसका हॉर्न स्विच है, ठीक है सर। इसके बाद जो ये ग्रिप्स दिए हैं इसकी, ये भी काफ़ी अच्छी दी है, इसके अंदर भी क्रोम लगाई है जो कि काफ़ी इफेक्टिव दिखती है। आपको इसमें कुछ भी आफ्टर मार्केट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी कंपनी ने सारा कुछ इसमें वो करके दिया है जो आज के टाइम पे चल रहा है। तो सर इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना दो। हाँ मैं इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देता हूँ, मैं स्टार्टअप देता हूँ गाड़ी को। आपको मैं इसकी की दिखा देता हूँ, ठीक है जी। इसकी की है, आपको दो चाबियाँ इसमें साथ में मिलती है कंपनी की तरफ से, ठीक है जी। और काफ़ी प्यारी की बनाई हुई है, अगर आप देखो तो बहुत प्यारी है, देखने में भी स्टाइलिश है। और इसका लॉक है जो काफ़ी सिक्योर है, आप इसको किसी और चाबी से नहीं खोल सकते स्कूटर को, ठीक है जी। अब अगर इसके बाद हम बात करें तो इसमें यहाँ पे एक ये कैरी बैग हैंग करने के लिए हुक दिया हुआ है, इस पर आप 6 kg का वेट आराम से डाल सकते हो, इसकी कैपेसिटी है इसको झेलने की। ये देखिए काफ़ी अच्छा हुक दिया हुआ है, स्मार्ट हुक है, इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ अपना सामान रख सकते हैं, जैसे कि लाइक फ़ोन भी रख सकते हो, या फिर और अगर आपके पास कुछ ऐसा वॉलेट टाइप है रख सकते हो। ये यहाँ पे दो पॉकेट बड़ी स्टाइलिश बनाई हुई है, दो पॉकेट टाइप बनाई है, ठीक है जी। और अगर इसका लेग स्पेस की बात करें तो लेग स्पेस भी काफ़ी है। अब इसका हम लोग बैठ के देख लेते हैं, ये देखिए इसका लेग स्पेस भी बड़ा अच्छा है, कंफर्ट अगर बात करें तो बहुत कंफर्टेबल है चलाने में भी, ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो ये पार्ट दिया हुआ है ये टेक्नीशियन पार्ट है, अगर इसका स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत आती है तो यहीं से सिर्फ एक स्क्रू ओपन करके उसको हम चेक कर सकते हैं, स्कूटर को ज़्यादा खोलना नहीं पड़ेगा, बॉडी को खोलना नहीं। इसके बाद सर हम इसकी बॉडी की क्वालिटी की बात कर लेते हैं कि बाहर से अगर कंपनी ने ये स्कूटर बनाया है और इसमें क्या कुछ खूबियाँ हैं, तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम देख लेते हैं हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया कंपनी और बचाव किए हमारे। अगर बात करें इसकी जो बॉडी आती है सर, बॉडी यहाँ से लेके पीछे तक टोटल सिंगल पीस है, मोनो की चेसी है और स्टील कंस्ट्रक्शन के साथ है, मतलब इसमें सारा कंस्ट्रक्शन जो यूज़ किया है वो स्टील का ही है। यहाँ पे भी अगर बात करें फ्रंट में भी, अगर मैं आपको करके दिखाऊँ आप चेक कर सकते हो, ये मेटल की है सारी, टोटल फ्रंट भी मेटल है। और अगर बात करें पीछे जो है, यहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, ये भी सारा बहुत अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है सर। ये सारा मेटल है, टोटल सिंगल बॉडी के ऊपर बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पे दोनों साइड में ये रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं आपको, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में आपको ये मिलेगा रिफ्लेक्टर दोनों साइड में, ठीक है सर। अब इसके बाद अगर बात करें इसके किक की क्वालिटी की, तो यहाँ पे जो किक दिया हुआ है इसका, ये स्टेनलेस स्टील यूज़ किया गया प्रॉपर इसके ऊपर। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील यहाँ पे है, और ये चैम्बर के ऊपर जो पैनल लगा है जिस पे कि वेस्पा की ब्रांडिंग है प्रॉपर चैनल के ऊपर, ठीक है जी। ये भी आपका स्टेनलेस स्टील दिया हुआ है, ये आपको साउंड भी सुनाई दे रही होगी अगर मैं कर रहा हूँ इसको, है ना।
तो इसके साथ यहाँ पे सब चीज़ें दी हुई है। और अगर बात करें तो पीछे जो इसकी ब्रेकिंग सिस्टम रहेगा वो ड्रम ही रहेगा सिंपल, बट फाइव स्टॉक अलॉय व्हील्स पीछे भी रहेंगे इसके, और वो सेम रहेंगे जैसे आगे हैं वैसे पीछे हैं। इसका इंजन कितना सीसी का है? सर इंजन इसमें 125 सीसी में भी आता है। वेस्पा एक्सएक्सएल मॉडल का नाम है, थ्री वी टेक इंजन है, थ्री वाल्व सिस्टम के ऊपर ये बनता है, ठीक है जी। और ये स्पेशल मॉडल है जो थ्री वी टेक इंजन में ही बना रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें 125 सीसी के साथ, तो अगर मैं आपको बताऊं ये क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पे जो यूज़ किया है पीछे बैक लाइट पे, जैसे आगे यूज़ किया था हेडलैम्प के ऊपर वो भी क्रोम यूज़ किया था, और बैक टेल लाइट के ऊपर भी यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया हुआ है, और काफ़ी अच्छी यहाँ से इसको देखिए आप लुक दी हुई है। इस जगह पे भी क्रोम का यूज़ किया हुआ है, ये ज़्यादातर जगह पे इसमें क्रोम ही यूज़ किया है, जिससे कि काफ़ी अच्छा स्मार्ट दिखता है स्कूटर, और औरों से बहुत ज़बरदस्त लुक देता है आपको गाड़ी। अब हम लोग इसकी बूट स्पेस को देख लेते हैं कि कितना क्या बूट स्पेस कंपनी ने हमें बना के दिया है। ये आपका नॉर्मली यहाँ से हमने इसको की से ओपन किया, उसके बाद एक ये साइड सेंस साथ में ही आता है इसका, कंपनी की तरफ से आता है, ठीक है सर। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद ये इसका जो टोटल बूट स्पेस है 22 लीटर का बूट स्पेस है। इसके बाद यहाँ पे इसमें USB चार्जिंग पॉट दिया हुआ है आपको, जो कि यहाँ पे काफ़ी सेफली दिया हुआ है अंदर। आप यहाँ पे USB चार्जिंग अपना लगा सकते हो और फ़ोन को अंदर रख सकते हो आराम से, इजीली आप इसको चला के गाड़ी को फ़ोन अपना चार्ज कर सकते हो। इसके बाद ये ऑटोमेटिक है बूट लाइट है, जो यहाँ पे इसका जब सीट बंद होती है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। अगर ये सीट बंद होती है तो ऐसे इस तरीके से ये बंद होती है, अगर सीट खुलेगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। अब इसका जो पेट्रोल टैंक दिया हुआ है वो 7.5 लीटर का है, 7.4 टोटल। अगर बात करें तो सर पूरी मार्केट के हिसाब से अगर देखें तो इसमें काफ़ी बड़ा ये फ्यूल टैंक दिया गया है, पूरी मार्केट के अंदर लास्ट 5 लीटर तक आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और अगर बात करें तो इसके अब सर्विस को देख लेते हैं, सर्विस किस तरीके से की जाती है स्कूटर की, है ना। तो आप नॉर्मली इसको यहाँ से रिमूव करेंगे, इस लाइट को यहाँ से नॉर्मली रिमूव करेंगे इस जगह पर, मैं दोबारा से आपको ये करके दिखाता हूँ। इस जगह पे इसको आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे नीचे को और इसको लाइट को बाहर निकालेंगे, उसके बाद इसको आप, ये रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव कर सकते हो इजीली बिना स्क्रू खोले, ठीक है। ये रिमूव किया हल्का सा और यहाँ से लाइट को आपने अंदर की तरफ टर्न कर दिया इस तरीके से, और इसको आपने ये निकाल लिया। ये देखिए इस जगह पर ये सारा इसका सर्विस पार्ट है, और ये सिंगल थ्रोटल बॉडी के अंदर स्कूटर आता है, क्योंकि थ्री वी टेक इंजन आ गए हैं तो इस वजह से ये सिंगल थ्रोटल में आता है। इसमें इंजेक्टर लगे हैं और सर्विस का पार्ट सारा इसका यहीं से है, और जो स्पार्क प्लग रह जाता था उसके लिए उन्होंने बाहर से ही कंपनी ने बना के दे दिया। तो आपको अगर बात करें सर तो इसको ना ज़्यादा ओपन नहीं करना पड़ेगा स्कूटर, और इसको सिंपल ऐसे हम रख सकते हैं और अपनी लाइट को वापस लगा सकते हैं, ठीक है जी। अब इसको नॉर्मली हम देख लेते हैं, बंद कर देते हैं। अब क्या होता है, जितने भी सर मार्केट में स्कूटर आता है उसकी जो सर्विस का पार्ट है उस पूरी बॉडी को उठाया जाता है, स्क्रू खोले जाते हैं, उसके बाद उसकी सर्विस की जाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल आपकी सर्विस की जाती है स्कूटर की, जो प्रॉपरली तरीके से होती है। तो सर इसमें माइलेज कितनी होगी? सर माइलेज 125 सीसी का इंजन है, आपको 40-50 तक आपको माइलेज जो देगा मैंने आपको वो बताई है, और प्रॉपर देगा ये। और जो जी एसेसरीज हैं वो उसका बता दूँ? एसेसरीज सर अगर बात करें इसकी, तो एसेसरीज़ में काफ़ी कुछ ऑप्शनल है अगर लगवाना चाहें तो। जो इसकी एसेसरी है वो एक पैरामीटर किट लगती है पूरी प्रॉपर ऐसे करके, उसी में अटैच होता है आपका लेडीज़ फुट रेस्ट, ठीक है जी। और जो क्रॉस लेग करके बैठेंगे उनके लिए भी यहाँ पे फुट रेस्ट साथ में ही अटैच होता है वो, ठीक है जी। और अगर बात करें, और वो इस चैसी के अंदर प्रॉपर फिट होगा ड्रिलिंग करके, बाहर से स्क्रू के साथ नहीं होगा वो, और स्टेनलेस स्टील में होगा टोटल वो। सबसे पहले इसका एक्सशोरूम जान लेते हैं हम क्या है। XXL मॉडल का 1,20,000 एक्सशोरूम कॉस्ट है इन चंडीगढ़, ओके, ठीक है जी। और इसमें आप कलर अवेलेबिलिटी भी देख सकते हो, कलर इसमें एक ब्लू कलर आता है, एक इसमें वाइट कलर आता है, एक ये मैट ब्लैक, तो हम बात कर ही रहे हैं,
ठीक है जी। इसके अलावा एक पर्ल वाइट आता है इसमें, ठीक है, ये सब कलर के ऑप्शंस हैं इसके अंदर। एक ब्लू कलर आता है सर। ई एम आई आपकी अगर आप एक साल की करवाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 8,000 बनती है एक साल में, एक महीने की। और अगर बात करें दो साल में अगर किस्त करवाते हो तो किस्त थोड़ी छोटी हो जाती है आपकी, वो आपकी 4,000 से 5,000 के बीच में बन जाती है। और अगर 3 साल का करवाते हो तो वो आपकी 3,500 की किस्त बनती है। ठीक है सर।